नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आधार डीबीटी लिंक कैसे करना है। डीबीटी लिंक करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप सरकार की किसी भी सब्सिडी और योजना का अगर लाभ ले रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट आधार डीबीटी से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। जैसे दोस्तों, अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो उसमें दोस्तों हमारा जो आधार डीबीटी होता है उसके माध्यम से ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। सरकार के पास ना ही कोई बैंक डिटेल्स होता है, सिर्फ आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट नंबर लिंक रहेगा उसी बैंक अकाउंट में आपका सब्सिडी या वो भी कोई गवर्नमेंट का स्कीम या योजना आपका लाभ मिलने वाला है वो उसी के माध्यम से आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा आधार डीबीटी लिंक है या नहीं, अगर नहीं लिंक है तो इसे कैसे करना है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर डीबीटी लिंक किसी बैंक अकाउंट से है और आप चाहते हैं कि हमारा जो नया बैंक अकाउंट है वो वापस से जो है दोस्तों डीबीटी लिंक हो जाए, तो आज की इस वीडियो में आपको वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके का इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से सिंपल तरीके से आपको डीबीटी लिंक है या नहीं चेक करके बताऊंगा। अगर नहीं है तो आपको लिंक करके भी ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए भी बताऊंगा। सबसे पहले गूगल पे डीबीटी भारत लिखकर सर्च करना है। जैसे डीबीटी भारत लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने ये लिंक दिखाई देगा, डीबीटी भारत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये गवर्नमेंट द्वारा संचालित ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेबसाइट के जरिए जो है सब्सिडी और योजनाओं का लाभ जो भी है यहाँ पे सारे सरकारी स्कीम के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्कीम 314 सरकारी सब्सिडी योजना इस समय जो है इस डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं नीचे पीएम किसान योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, गवर्नमेंट के अलग अलग वेबसाइट पे जो दोस्तों जो सब्सिडी योजना है यहां पे आपको पे सबसे ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट से आधार सीडेड है या नहीं, हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट होकर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें बैंक सीडिंग स्टेटस ये वाले लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें लॉग इन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद लॉग इन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों लॉग इन कर लेंगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे हमें जो है बैंक सीडिंग स्टेटस ये वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग डिटेल्स वगैरह आपको यहां पे दिखाई देगा। यहां पे अगर आपका अकाउंट बैंक अकाउंट जो है आधार से सीडेड होगा तो यहां पे आपका बैंक डिटेल के साथ में आपका डिटेल एक्टिव बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखाई देगा। यहां पे ये डिटेल्स तो बताया गया है कि एनपीसीआई से डायरेक्ट डेटा ये लिंक है, यहां पे आप देख सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट अगर लिंक नहीं है तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं यूनियन बैंक ले रहा हूं। यहां पे यूनियन बैंक आधार सीडिंग ऑनलाइन यहां पे लिखकर आपको गूगल पे सर्च करना है। कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देगा। यहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स सब पूरा क्लियर भरना है। जैसे दोस्तों पूरा बैंक का 15 नंबर अकाउंट नंबर डालना है, री बैंक नंबर डालना है, इसके बाद एज पर बैंक अकाउंट जो आपका नाम होगा वो डालना है, इसके बाद अभी आधार डिजिट 12 डिजिट आधार डालना है। आधार नंबर डालने के बाद एज पर आधार नाम और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालकर जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑनलाइन आधार कार्ड है वो बैंक यूनियन बैंक से लिंक हो जाएगा। यहां पे अभी हम बात करते हैं एचडीएफसी का। एचडीएफसी में दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। एचडीएफसी आधार सीडेड ऑनलाइन लिखकर गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का लिंक आपको दिखाई देगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहां पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं इंस्टा सर्विस का एक ऑप्शन आता है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। यहां पे एचडीएफसी का ऑनलाइन सर्विस है। यहां पे जैसे एड्रेस चेंज, स्टॉप पेमेंट, पैन कार्ड अपडेट, यहां पे रीकेवाईसी, ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें दोस्तों आधार सीडिंग करना है। आधार सीडिंग के लिए यहां पे ये वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, सीड या आधार। इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे हमें आधार कार्ड से सीड करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस के जरिए आपका आधार कार्ड सीडेड होगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल और आधार ओटीपी बेस पे क्लिकना है, लेट्स बिगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो एचडीएफसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है या पैन कार्ड या कस्टमर आईडी, तीनों में से कोई भी। तो दोस्तों मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, इसके बाद आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आधार ओटीपी डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक हो जाएगा और लिंक होने के बाद आपको जो है कंफर्मेशन आ जाएगा। आप चाहे तो अगर आपको यहां पे एरर बता रहा है तो आप चाहे तो ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आधार सीडिंग फॉर्म, ये गूगल पे आप सर्च करेंगे एचडीएफसी आधार सीडिंग फॉर्म, आपको कुछ इस तरीके का ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। यहां पे आपको कुछ बेसिक डिटेल भरना है, जैसे आपका जो भी ब्रांच होगा ब्रांच भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, अकाउंट का डिटेल्स जो है दोस्तों यहां पे भरना है, कस्टमर आईडी भरना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे आपको आधार कार्ड
का नंबर भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद, अगर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी सीडेड है और आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन दिया है वो आप यहाँ पे भर के कस्टमर का सिग्नेचर और उसके साथ में दोस्तों एक आधार कार्ड की क्लियर कॉपी आपको यहाँ पे देकर बैंक में सबमिट कर देना है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक आधार सीडिंग ऑनलाइन आप दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर्म के जरिए भी कर सकते हैं, ऑफलाइन। यहाँ पे दोस्तों गूगल पे सर्च करेंगे HDFC जो है आधार सीडिंग फॉर्म, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। ये सारे फॉर्म्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर और उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। प्रॉपर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको क्लियर कॉपी आधार कार्ड की जो है आपके साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके ब्रांच में दे देना है। 6 से 7 दिन के अंदर आपका अकाउंट में जो है DBT लिंक हो जाएगा, आधार लिंक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे अपना बैंक डिटेल जो है अपना प्रॉपर सही तरीके से नाम, ईमेल आईडी वगैरह सारे डिटेल्स आपको यहां पे फिल करने के बाद, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहां पे आप ब्रांच में दे सकते हैं। अभी हम बात करते हैं PNB आधार लिंक के लिए। PNB आधार बैंक लिंक आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, PNB आधार OTP बेस, ये वाले लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आने के बाद दोस्तों आपको आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद OTP आधार OTP करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। आधार वैलिडिटी जैसे कर देंगे आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सीडेड हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, 24 आवर्स में आपको मैसेज आ जाएगा। यहां पे दोस्तों अगर आप हम बात करते हैं आधार कार्ड अगर हमारा और भी बैंक में करना है, क्योंकि अलग अलग बैंक में हम नहीं कर सकते, तो दोस्तों एक डायरेक्ट डेबिटी फॉर्म है, ये आपको मैं वीडियो की लिंक में दे दूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट डीबीटी फॉर्म गूगल पे आपको सर्च करना है, कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हर जगह ही हर बैंक में, चाहे SBI हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे कॉर्पोरेट बैंक हो, हर बैंक में ये चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर, यहाँ पे आपको जो भी बैंक का ब्रांच का नंबर है, ब्रांच लिखना है, बैंक लिखना है, इसके बाद अपना अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आई एम मेंटेनिंग अकाउंट नंबर दिस एंड दिस, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड की क्लियर कॉपी ये आपको यहाँ पे इसमें अटैच करना है। इस फॉर्म में आपको अपना डिटेल्स रखना है कि आपका जो अकाउंट नंबर है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन लेना है, अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन लेना है कि आई एम सीडिंग माय अकाउंट नंबर दिस एंड दिस, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना। अगर आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माय बैंक अकाउंट नंबर। तो दोस्तों आप बैंक अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं और नया भी रजिस्टर कर सकते हैं सेम फॉर्म से, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड की क्लियर कॉपी आपको देकर किसी भी ब्रांच में, आप जो भी जिस बैंक में आपका खाता हो वहां पे आप दे सकते हैं।